नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, और निगेटिव का खास ख्याल रखते हुए आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द कौन सा है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, चषक, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द कौन सा है? आर ओ आर ओ प्री 2016 में पूछा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रैण। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा है? देखिए कौन सा थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्युत्तर कहते हैं इसको, प्रत्युत्तर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द कौन सा है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही वर्ड है आपको चूज करना है। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वाग्दत्ता, वाग्दत्ता कहते हैं, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो सके हो के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको क्या कहते हैं? देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोगों को ये एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को करना है। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों से, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों के पास भी ये लाभ दे सके। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन, मरणासन्न अवस्था के लिए एक शब्द कौन सा है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मुमूर्ष, मुमूर्ष कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्थापित। आठवां नंबर क्वेश्चन, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रण के लिए एक शब्द, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आर ओ आर ओ प्री 2016 में पूछा गया था। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दुरभि संधि बोलते हैं, दुरभि संधि, ठीक है। कनिष्का, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अनामिका कहते हैं, ठीक है, अनामिका। दसवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? मैंने बोला भी था आप लोगों को, अच्छे से बताया भी था, समझाया भी था। दसवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर कहते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक वाक्यांश कौन सा है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुगामी कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमूल्य कहते हैं उसे, ठीक है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा नपतुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं उसे? 13वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिताहारी कहते हैं उसे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या कहते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 14वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतेवासी कहते हैं उसे, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मर्माहत मर्माहुत और मर्माहूत, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है।
पंद्रहवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी मर्माहत कहते हैं उसे, उसे मर्माहत कहते हैं। ठीक है, सोलहवां नंबर क्वेश्चन, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पदच्युत कहते हैं उसे। ठीक है, सत्रह नंबर क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथे सत्रहवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी निह स्पृहा बोलते हैं। ठीक है, निह स्पृहा। अठारह नंबर क्वेश्चन, जिसकी पूर्व में कोई आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा सही होगा। देखिए अठारह नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अप्रत्याशित बोलते हैं उसे। ठीक है, उन्नीसवां नंबर क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्बोध कहते हैं, दुर्बोध। 20वां नंबर क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आर ओ मेन्स 2014 में ये पूछा गया था। और दोस्तों आप लोगों को नहीं आता निगेटिव अटैम्प्ट मत करिएगा, इतनी बार रिवीजन करिए कि चीज़ें आपको रट जाएं, बढ़िया से रट जाएं, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पार्थिव कहते हैं उसे, पार्थिव। 21वां नंबर क्वेश्चन, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा सही है। 21वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी भूतपूर्व कहते हैं, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन लोग देख रहे हैं, 22वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी वाचाल कहते हैं। ठीक है, वाचाल। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। ए बी सी डी चार वर्ड दिए हुए हैं, वो शब्द बताइए। 23वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए असाध्य बोलते हैं उसे, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अजेय कहते हैं उसे, अजेय। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। 25वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सधवा कहते हैं उसे, सधवा। 26 नंबर क्वेश्चन, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अक्षय बोलते हैं उसे, जो छीण ना हो सके। 27 नंबर क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए जो सब कुछ जानता हो। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वज्ञ कहते हैं उसे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। 29 नंबर क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी निर्मम बोलते हैं उसे, निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तिलक लगाने में। 30वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी अक्षत कहते हैं उसे, अक्षत। 31 नंबर क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जाति या निचली जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आर ओ प्री 2013 में पूछा गया था ये। 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अंत्यज बोलते हैं उसे, जो निम्न जाति में पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, अंत्यज। 32 नंबर क्वेश्चन, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द क्या है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सधवा,
सधवा कहते हैं, ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आर ओ मेंस 2013 में पूछा गया था ये। 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, नारद कहते हैं उसे। ठीक है, महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं। देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतःपुर बोलते हैं उसे, अंतःपुर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खाद्य सामग्री जो यात्रा के रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पाथे कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, आधी रात का समय के लिए क्या वर्ड है, आधी रात के लिए समय के लिए उपयुक्त वर्ड कौन सा है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, निशीथ कहते हैं उसे, निशीथ। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपथ्य कहते हैं उसे। ठीक है, नेपथ्य। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वर्ड कौन सा है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वर्ड कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधा कहते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था, ये चीज़ें मैंने एक टॉपिक वाइज कराई भी थी आप लोगों को, वाक्यांश के रूप में पढ़ाया भी था, ठीक है, बताया भी था समझा के। तो अब उनको देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लमसम काफ़ी सही होंगे, और जब तक सही ना हो जाएं पूरे में 100 में से 100, तब तक आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार देखना पड़े। देखिए खाली टाइम में उपयोग करने के लिए आप लोग आराम से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका पढ़ाई मन ना लग रहा हो या कुछ काम कर रहा हूँ तो चला के रख दिए, कम से कम सुनाई देने से आप लोगों को वो चीज़ें कन्फर्म होती जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार वो चीज़ों को कन्फर्म करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की है, तो आप इसमें आराम से भी देख भी लेंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिशाएँ ही जिनका वस्त्र हैं उसे क्या कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, दिगंबर कहते हैं उसे। 40 नंबर क्वेश्चन, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कानीन कहते हैं उसे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वर्ड कौन सा है, पेट की अग्नि के लिए। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जठराग्नि बोलते हैं उसे, जठराग्नि। ठीक है, अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अकिंचन कहते हैं उसे। 43 नंबर क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनाहूत होता है। ठीक है, अनाहूत। चलिए अगला देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा आंसर सही है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुमुच्छू बोलते हैं उसे, मुमुच्छू। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, असूर्य पश्या बोलते हैं उसे, असूर्य पश्या। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, युधिष्ठिर बोलते हैं, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं,
सैंतालीस नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए शाश्वत कहते हैं, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द, 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी विपत्नीक कहते हैं, ठीक है विपत्नीक। 49 नंबर क्वेश्चन, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अपत कहते हैं, अपत, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी तितिर्षा बोलते हैं उसे, ठीक है तितिर्षा। चलिए अगला देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध वर्ड कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हौदा कहते हैं उसे, हौदा। 52 नंबर क्वेश्चन, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही वर्ड क्या है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रमेय कहते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द कौन सा सही है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी औपनिवेशिक बोलते हैं उसे, औपनिवेशिक। निम्न में से एक के लिए प्रयोज शब्द असूर्य पश्चा किसको कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य को देख ना सके, ठीक है उसे असूर्य पश्चा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द कौन सा है। उत्तराधिकार में प्राप्त शब्द के लिए एक वर्ड, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए रिक्त कहते हैं उसे, रिक्त, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा सही है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पतित कहते हैं उसे, पतित, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, स्वयंसेवक किसे कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहते हैं, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अंतेवासी कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी कृतार्थ कहते हैं उसे, ठीक है कृतार्थ, 59 का डी। 60 नंबर क्वेश्चन, नियमाविरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी काली सूची, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो नब में चलता है के लिए एक शब्द कौन सा है। देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए खेचर कहते हैं उसे, खेचर। 62 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 62 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द, 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति कहते हैं उसे, ठीक है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
64 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी जिज्ञासु कहते हैं उसे, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वर्ड कौन सा सही है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखें। 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी वीर प्रशु कहते हैं, ठीक है, वीर प्रशु। 66 नंबर क्वेश्चन, शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी धीरोदात्त कहते हैं, धीरोदात्त, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए क्या कहते हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी अप्रमेय कहते हैं, अप्रमेय। चलिए अगला देखते हैं, वन में लगने वाली आग के लिए एक वाक्यांश, उसको क्या बोलते हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी दावाग्नि कहते हैं उसे। 69 नंबर क्वेश्चन, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसे क्या कहते हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी वियोगिनी कहते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोक्ष की कामना करने वाले के लिए क्या बोलते हैं उसे। 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी मुमुक्षु कहते हैं, ये रिपीट भी हो चुका है हम लोगों का। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसको लिए एक वर्ड क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी जितेंद्री बोलते हैं उसे। 72 नंबर क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द। 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी असाध्य कहते हैं, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ वो उसके लिए एक शब्द, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी अजात शत्रु बोलते हैं उसे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरापेक्षी कहलाता है, उत्तरापेक्षी, ठीक है। अब ये देखिए नव में चल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हम लोगों का। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो नभ में चलता है उसके लिए एक वर्ड कौन सा है, उसका वर्ड खेचर है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, जिसका इंद्रियों से कोई अनुमान ना हो, जिसका इंद्रियों से कोई अनुमान ना हो उसे क्या कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी अतींद्रिय कहते हैं, ठीक है, अतींद्रिय। 78 नंबर क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है, ये आ चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, 79 नंबर क्वेश्चन, 79, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए वो एक उपयुक्त शब्द क्या कहलाता है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अग्रज कहलाता है, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या कहलाती है, समिधा कहलाती है, ठीक है। 80 का सी, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी समशीतोष्ण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन, दूध ही जिसका भोजन हो उसे क्या कहते हैं, दूध ही जिसका भोजन हो क्या, कौन सा वर्ड सही है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए दुग्धाहारी बोलते हैं उसे, दुग्धाहारी। 83 नंबर क्वेश्चन, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक वर्ड कौन सा है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सुलभ, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, जो कानून के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, जो सॉरी मैंने गलत बोला, जो कानून के अनुकूल ना हो उसको क्या कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी अवैध कहते हैं,
ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोगों ने देख चुके हैं, अनाहूत कहते हैं जिसको। 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता हो उसे क्या कहेंगे, सोच लेता हो उसे क्या कहेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 86 कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 87 नंबर क्वेश्चन, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है, जिसको मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सही वर्ड, 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत्युंजय बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, जो ममता से रहित हो उसे क्या कहते हैं, सॉरी जो ममता से रहित हो उसे क्या कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 89 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पूजनीय बोलते हैं। वर्तनी के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखिएगा पूजनी कैसे लिखा जाता है, और आप लोग लिख लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है, लिखते जाइए, कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, जो आ चुका हो रिपीट हो जाए उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी तो आप लोग बढ़िया से कंफर्म हो जाएगा ना लिख लिख के करने से। चलिए अगला देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, युगों से चले आने के लिए एक शब्द कौन सा है। 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सनातन, ये भी रिपीट कर चुका है कई बार। 91 नंबर क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 91 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दंपत्ति कहते हैं। बचपन और जवानी के मध्य की अवस्था को क्या कहा जाता है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वय संधि कहते हैं, वय संधि कहते हैं, ठीक है, बचपन और जवानी के मध्य की अवस्था को वय संधि कहते हैं, 92 का ए। चलिए आगे देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो क्या कहलाता है। 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आशुकवि। दोस्तों एक चीज़ मैं छोटी सी और बताना चाह रहा था आप लोगों को, जैसे देखिए जैसे 100 क्वेश्चन देख लिए, रिवाइज करते रहे, कई बार देखे, जब 100 में 100 हर एक सब्जेक्ट में, जैसे 6 टॉपिक में अगर कोई टेस्ट आता है तो उसमें आप 100 में 100 सीधे मार के आएँ, कोई भी निगेटिव ना हो और कन्फर्म मार के आएँ, तब आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो उनसे डरने के बाद नहीं, कम से कम आप क्वालिफाई करने वाली पोजिशन में रहेंगे, ठीक है, और अच्छी पोजीशन में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है क्या चीज़, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्योदर कहते हैं उसे, अन्योदर, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, एहसान न मानने वाले को क्या कहा जाता है, एहसान न मानने वाले को क्या कहा जाता है, ऑप्शन 95 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कृतघ्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है, देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेकी कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मंथर कहा जाता है, मंथर, ये पर्टिकुलर वर्ड को ध्यान रखिएगा, धीमा भी बहुत कम गति से, लेकिन मंथर सही वर्ड है, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी,
अपठित कहते हैं, बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए अपठित, ऑप्शन सी। 99 नंबर क्वेश्चन, जो देखने में प्रिय लगता है के लिए एक वर्ड कौन सा है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए, देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियदर्शी कहा जाता है, देखने में जो प्रिय हो वो प्रियदर्शी है। 100वां नंबर क्वेश्चन, प्रेम विशेषता है प्रेमी प्रेमिका या पत्नी पत्नी के पति पत्नी के बीच होने वाला प्रेम क्या कहलाता है। अब देखिए, लगेगा आप लोग कन्फ्यूज होंगे थोड़ा सा, ये है कौन सा है, तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 100वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रणय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये आज के हम लोगों की 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ हो गई, वाक्यांश की हो गई, कंप्लीट हो गई। और दोस्तों, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा पहुँचा सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।